शीट नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन है द करंट वोल्टेज ग्राफ। तो ये ग्राफ वीआई ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ आईवी ग्राफ है और हमने डिस्कस किया हुआ है करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है उसकी जो स्लोप है करंट वर्सेस वोल्टेज वो क्या कहलाती है, 1/रेजिस्टेंस। अगर ये वी और आई होता तो वी अपॉन आई स्लोप थी आर, आई अपॉन वी में 1/r। तो इसकी स्लोप आपको 1/रेजिस्टेंस देगी। वो कह रहे हैं इज दिस स्पेसिमेन ओहमिक, क्या ये ओहमिक है। ओहमिक कंडक्टर मीन्स जो ओम लॉ को फॉलो करता है, करता है कि नहीं करता, दोनों ग्राफ्स करते हैं नहीं करते, कैसे पता करते हैं, स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। पर कोई कहता है 45 डिग्री भी होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू आई में कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, स्लोप कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्राफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये ओहमिक कंडक्टर है। तो आंसर यस, ये ओहमिक कंडक्टर है, पहला आंसर, ओम लॉ फॉलो करेगा। दूसरा आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी रेजिस्टेंस बड़ी किसकी छोटी है। जिसकी स्लोप बड़ी है, T1 वाले की स्लोप बड़ी है उसकी रेजिस्टेंस छोटी है, क्योंकि स्लोप यहां पर क्या है, 1/ रेजिस्टेंस। तो स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसकी स्लोप बड़ी है तो इसकी रेजिस्टेंस छोटी है, और क्योंकि इसकी स्लोप छोटी है तो इसकी रेजिस्टेंस बड़ी है। तो इसकी रेजिस्टेंस छोटी है, इसकी बड़ी है, तो R1 less than R2। तो ये पॉइंट क्लियर है, R1 less than R2, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो जिसकी रेजिस्टेंस छोटी है उसका टेम्परेचर भी छोटा है, जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी है उसका टेम्परेचर भी बड़ा है, तो T1 less than T2 है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे देने हैं। इसमें स्लोप से रेजिस्टेंस के बारे में वेरिएशन शो करनी है और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आगे रिजल्ट शो कर देना। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। इसमें एक नई चीज लगी हुई है और ये ट्रायंगल और ये लाइन है, इसको बोलते हैं डायोड। डायोड आपके सिलेबस में है लेकिन वो अभी नहीं करने, अक्टूबर नवंबर में आते हैं, सेमीकंडक्टर टॉपिक के अंदर डायोड्स आते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है डायोड के अंदर, कि अगर आपके पास ये देख रहे हो ये सिंबल है डायोड का। डायोड क्या होता है, डायोड है सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर दो किस्म के होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो मिला देते हैं उसके कॉम्बिनेशन को डायोड बोलते हैं, जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो ये पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इसका सिंबल पी है और ये सिंबल एन है। तो ट्रायंगल वाले को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और लाइन वाले को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो पी एन जंक्शन है, ये पी एन डायोड है। ये काम कैसे करता है, काफी डिटेल में आपके सिलेबस में है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी है। प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर अगर आप एक बैटरी लगा दें और ये प्लस और ये माइनस, तो अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड हो जाए और नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ कनेक्टेड हो जाए, तो ये बैटरी अपने जो करंट रिलीज करेगी तो डायोड एज इट इज करंट को अपने अंदर से पास होने देगा। इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर पी विद पॉजिटिव हो जाए एन विद नेगेटिव हो जाए तो पूरा करंट इसमें से पास होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, और आपकी बैटरी कहीं उल्टी कनेक्टेड हो जाए, ये देखो पी विद नेगेटिव एन विद पॉजिटिव, तो डायोड आपके बैटरी के करंट को ब्लॉक कर देगा, इसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगा, ये गेट की तरह काम करेगा और रोक देगा। पर ऐसा क्यों करेगा, ये करने में समझने में कुछ समय लगेगा, तो जब इसकी वर्किंग सीखेंगे तब पता लगेगा कि ऐसा करता क्यों है ये। तो अगर डायोड पी विद पॉजिटिव एन विद नेगेटिव लगाओ करंट को पास होने देगा, इसको बोलते हैं कि डायोड की क्या हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग है। और अगर ये करंट को नहीं पास होने देगा इसको बोलते हैं रिवर्स बायस हो गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड करंट को पास होने देगा, रिवर्स बायसिंग में करंट को पास नहीं होने देगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि दो डायोड्स हैं और डायग्राम में साफ पता लग रहा है कि बैटरी का प्लस और माइनस है, तो प्लस इस पी के साथ कनेक्टेड है लेकिन ये प्लस माइनस एन के साथ कनेक्टेड है, तो ये
डायोड अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, पर ये डायोड अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, ये करंट को ब्लॉक कर देगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब अगर इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखें और हमें ये पता है कि ये करंट को पास नहीं होने देगा जो बीच वाला डायोड है, तो इस ब्रांच को यहाँ से हटा भी देंगे तो भी चलता है, क्योंकि करंट तो इसमें जाएगा नहीं। तो करंट कहाँ जाएगा? करंट बाहर बाहर से घूम के ऐसे हो जाएगा बैटरी में से करंट, क्योंकि ऊपर वाला डायोड तो पास होने देगा, नीचे वाला नहीं होने देगा, तो सारा करंट ऊपर के डायोड से पास होकर घूम के आ जाएगा। तो क्वेश्चन है इसमें करंट कितना घूमेगा। क्वेश्चन में डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है 50 ओम, इसके पड़ोस की रेजिस्टेंस 150 है, यहाँ पे 100 और यहाँ पर 6 है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी? 6 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 प्लस 100। तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 50 प्लस 100, कितना है? 300 आंसर। तो मतलब इसमें यही चेक कर रहा था कि क्या आपको डायोड की प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन कर रखा है और डायोड की प्रॉपर्टी जिनमें मालूम है, वो समझ पा रहे हैं कि एक डायोड को उड़ा देना, एक को रख लेना। ठीक है यहाँ तक? नहीं चाहिए। ओके। इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस का मतलब रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये, इसलिए करंट को पास नहीं होने देता। इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, बैकवर्ड मीन रिवर्स बायसिंग के अंदर, तो रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती है डायोड की, फॉरवर्ड बायसिंग में 50 हो जाती है, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट हो जाती है, जिस वजह से करंट जीरो हो जाता है। SCS का मतलब। नेक्स्ट, मेंस की प्रॉब्लम है ये, पुराने प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे आपको, मेंस ऐसे ही तो आता है, मेंस की ही प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन है कि टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 में बी कनेक्टेड आइदर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। तो अगर वी सोर्स है, वो कह रहा है जब आपने इसको पैरेलल में लगाया तो जो पावर जनरेट हुई वो 5 गुना ज़्यादा है जब आपने उसको सीरीज में लगाया। तो पैरेलल में पावर कितनी है? वी स्क्वायर बाय, सीरीज में पावर कितनी है? वी स्क्वायर बाय R1 प्लस R2। पैरेलल के अंदर पावर कितनी है? वी स्क्वायर बाय R1 R2 बाय R1 प्लस R2। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर है वो 5 गुना ज़्यादा है इन एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल की पावर है, ये सीरीज की पावर है, वी से वी क्या हो गया? कैंसिल। आपको क्वेश्चन में R1 पता है, आपको R2 निकालना, सॉल्व करके R2 आ जाएगा आंसर, मार्क कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक क्या लगेगा इसमें, कि पावर की वैल्यूज पहले निकाल लेनी है इंडिविजुअल सीरीज में एंड पैरेलल में, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल की कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो 5 गुना ज़्यादा सीरीज से वैल्यू पुट करके वी से वी कैंसिल होकर आंसर आएगा। क्या इस स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है नीट के लिए तो नहीं है, मेन्स में आया हुआ है ये, तो नीट के लिए तो नॉट फॉर नीट लिख लें, क्योंकि इस टाइप का इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चन तो नहीं आएगा। फिर भी आप एक बार रीड कर लें, जो आपका जो नॉन मेडिकल CBSE में तो नहीं आएगी असाइनमेंट ये। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, क्या क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट में। चार्ज सप्लाइड बाय अ सोर्स वेरीज विद टाइम एस,
सोर्स का मतलब क्या होता है? बैटरी। बैटरी इतना चार्ज सप्लाई कर रही है, टाइम के साथ चार्ज चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस चार्ज है, ठीक है, समझ में आया, चार्ज दे रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन है वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे को तो करंट चाहिए, और करंट निकालने का तरीका मुझे आता है, चार्ज को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। तो आई की वैल्यू कितनी है? ए माइनस टू बी टी। तो चार्ज मुझे चाहिए नहीं, मेरे को तो करंट चाहिए। तो बैटरी से टोटल करंट कितना निकला? इतना करंट निकला। अब दो रेजिस्टर लगा रखे हैं आर एंड टू आर। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल हीट प्रोड्यूस 2R के अंदर जो हीट जनरेट हुई वो इतनी हुई, कब? जब करंट जब तक जीरो नहीं हो जाता। मतलब शुरू में करंट था, इसका मतलब बैटरी में शुरू में करंट था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं करंट जीरो जाएगा। तो जब तक करंट था और जब तक जीरो नहीं होता, तब तक हीट इतनी जनरेट हो गई। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, या हीट मतलब प्रूव करो कि हीट इतनी जनरेट हो गई। मतलब बेसिकली आपको हीट निकालनी पड़ेगी और वेरीफाई करना पड़ेगा, ये आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन गिवन होगी, कितनी हीट जनरेट होगी जब करंट इसमें जीरो हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, जब तक 2R में करंट ही नहीं पता उसको जीरो क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये चेक करते हैं कि हीट अगर इसमें निकालनी है तो इसमें करंट तो निकालना पड़ेगा, तभी तो आई स्क्वायर आर टी से हीट आएगी। पहले इसका करंट निकाल लें। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऐसे की, आई करंट आया, ये आई करंट यही करंट है, उस आई में से इसमें आई वन चला गया, तो इसमें आई माइनस आई वन आ गया, फिर दोनों मिलके वापस आई हो गए। तो डायग्राम क्लियर है? तो मेरे को इसमें आई वन चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि वी सेम है, आई वन आर वन, आई टू आई टू, जैसे मुझे रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो, पर मैंने सोचा किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, एक लूप घुमाओ, माइनस आई वन इंटू टू आर करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इक्वल टू जीरो। तो अपने आप करंट की रेशियो आ गई, तो आई वन की वैल्यू क्या आ गई? आई बाई थ्री। वैसे तो हमने पुराने करंट इलेक्ट्रिसिटी की हुई है, और हम अपने आई करंट को आर और टू आर की रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन आती है हमें, और ये भी ठीक है। तो चलो, आपने क्या निकाल दिया? आई वन की वैल्यू कितनी है? आई बाई थ्री। लेकिन आई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी? ए माइनस टू बी टी बाई थ्री। चलो, मेरे को कम से कम ये पता लग गया कि इस रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है, आई वन, इंस्टेंटेनियस, जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज। और अगर मुझे कोई कहे कि इसमें हीट निकालो, तो मैं आई स्क्वायर टू आर इंटू टी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा नहीं पाऊंगा, आई स्क्वायर आर टी डायरेक्ट लगा नहीं पाऊंगा, मेरे को इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, करंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज। तो इसमें अगर हीट निकालनी है तो इंटीग्रेशन करो, इसमें करंट कितने है? आई वन, आई वन स्क्वायर टू आर डी टी की इंटीग्रेशन में लिमिट्स समय की, टाइम की लिमिट्स लगेंगी। अब टाइम की लिमिट कैसे लगेगी? उसने बोला कि आपको हीट तब तक जनरेट करनी है जब तक करंट जीरो नहीं हो जाता। तो क्यों ना ऐसा करें, करंट को जीरो कर दें। जब हम यहां आई को जीरो पुट करेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी में टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए पॉइंट टू बी। इसका मतलब कि हमें लिमिट लगानी है जीरो से लेके ए पॉइंट टू बी। हमने जो लिमिट लगानी है वो जीरो से लेके ए पॉइंट टू बी लगाना है, जब तक करंट क्या नहीं हो जाता? जीरो। तो हमें टाइम पता लग गया कि इतने समय पे करंट जीरो हो जाता है, हमने इसकी लिमिट लगाई, फिर आई वन की वैल्यू पुट कर दी। फिर मैथ वाले लोग आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे, मैथ के टीचर, खैर इतनी तो मैंने भी सिखा रखी है, इसको ओपन करके आंसर मार्क कर लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब इंस्टेंटेनियस टाइम है, टाइम की वैल्यू पे करंट डिपेंडेंट है, तो हीट डायरेक्टली कभी निकलेगी नहीं, आई स्क्वायर आर टी से ही निकलेगी, बात खत्म। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? नीट में तो नहीं आएगा, सी बी एस ई में भी नहीं आएगा, अब मेंस में आया हुआ है, मतलब आएगा नहीं, आ चुका है, तो मैंने मार्क करवा दिया, तो मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर में। इसे आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे मेंस में, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है, ऐसे आते हैं, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आई बाई वी का ग्राफ, जो पहला क्वेश्चन था 2023 में भी आया है, बहुत पुराना नहीं, शीट तो खैर पुरानी बनी हुई है, 2023 में पहला क्वेश्चन आया हुआ है, आर वन आर टू टी वन टी टू बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात भी नहीं है।
तो क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो ये सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल आर है, और पहले केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वन है, तो इसमें जो करंट होगा वो इसके इक्वल होगा, वो सबको पता है, मैं किया हुआ है कि करंट है। तो इसके अंदर एक सेल है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और वो या सम नहीं है, ये सेम टाइम करो सेम तो सप्लाईज करंट फॉर सेम टाइम टी थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू। मतलब एक बार आपने बैटरी के साथ आर वन रजिस्टर को लगाया, आर वन में करंट दौड़ा, फिर तुमने आर वन की जगह आर टू लगाया, उसमें करंट दौड़ा सेम टाइम के लिए, तो उसमें हीट जनरेट हुई, हीट जनरेटेड दोनों में सेम हो गई। तो पहले में करंट की वैल्यू पता है इसमें, तो इसमें हीट कितनी जनरेट होगी, आई स्क्वायर आर वन टी, आई स्क्वायर आर वन टी, ये हीट जनरेट हो गई एच वन, सही है यहां तक, आई स्क्वायर आर वन टी से हीट आ गई। केस नंबर टू में कुछ नहीं करना, ई तो सेम है, आर वन की जगह आर टू लेना है, इंटरनल सेम है, आर वन की जगह आर टू टाइम तो सेम ही है। तो पहले तुमने आर वन में हीट जनरेट की, फिर तुमने आर टू लगा के हीट जनरेट की, फिर तुमने, तुम्हें क्वेश्चन में ये कहा गया कि हीट दोनों केसेस में एग्जैक्टली सेम है, तो तुम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर निकाल दो, तो तुमने सेम कर दी। क्वेश्चन में गिवन है हीट जनरेटेड दोनों में सेम है, तो इक्वेट कर दो, ई से ई कैंसल, टी से टी कैंसल, सॉल्व करके स्मॉल आर का फॉर्मूला आएगा रूट आर वन आर टू आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें। तो जैसे जैसे उस क्वेश्चन में बोलता गया मैंने वैसे वैसे यूज कर दिया, कोई डाउट इसमें? फ्यूज वाला क्वेश्चन कम से कम दो तीन बार मेंस में और नीट में आया हुआ है, और अगर आपने ये पहले सॉल्व नहीं किया हुआ, गारंटी है आपका क्वेश्चन पक्का गलत होगा, और आप उसे करके जरूर आएंगे, करके भी आएंगे, आपको लगेगा ये तो है ही कुछ नहीं, और पेपर भी बोलेंगे घर आके बढ़िया हो गया, फिर बढ़िया नहीं होगा वो पेपर, ठीक है। ये उन टाइप के क्वेश्चन में से है। जैसे कितना आसान क्वेश्चन है, एक फ्यूज वायर है, उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm है, और वो ब्लोज आउट का मतलब टूट जाती है, हीटिंग इफेक्ट से फ्यूज उड़ जाता है जब करंट 1.5 ampere है। तो बताओ अगर 3 ampere करंट पास किया जाए तो वो वायर का रेडियस क्या हो कि वो 3 ampere पे उसका फ्यूज उड़े, बस सिंपल क्वेश्चन है। तो एक टाइप का स्टूडेंट कहता है देखो जी तो प्रॉब्लम पेपर भी बड़ा आसान था, कैसे, क्योंकि 1.5 ampere करंट के लिए वायर का रेडियस क्या चाहिए 1 mm, 1 के लिए क्या चाहिए 1.5 mm इतना mm, और 3 ampere के लिए क्या चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई, मेरा पेपर बढ़िया हो गया जी, आंसर आ गया था मेरा, और ऑप्शन पक्का होगा इसमें, गलत। आप यूनिटरी मेथड लगा ही नहीं सकते, करंट का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ही नहीं, मत लगाना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खास टेक्निक है, जब वायर गर्म होगी तो उसकी जो हीट निकलेगी वो क्रॉस सेक्शन से निकलती नहीं है, उसे सरफेस एरिया से निकलती है, वायर पूरी गर्म होती है ऊपर से। तो सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल वायर का क्या है, 2πrl। तो मान लें H का मतलब यहां पर हीट लॉस है 1 second में पर यूनिट एरिया, लेकिन हमारा सरफेस का एरिया कितना है 2πrl, तो अगर हम H को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो एरिया से एरिया मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हीट लॉस पर सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, पावर। तो यूनिट्स क्या बचेंगे, H को एरिया से मल्टीप्लाई करके पावर के। तो ये पावर लॉस है जो होने वाला है सरफेस के थ्रू, जो हीट बाहर जाने वाली है ये पावर लॉस है, और H इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वायर। लेकिन पावर लॉस तो हमें भी निकालना आता है, आई स्क्वायर आर, तो पावर लॉस आई स्क्वायर आर है, और सरफेस एरिया जो हीट जा रही है वो ऐसे जा रही है, इक्वेट कर लिया, रेजिस्टेंस रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, फॉर अ फ्यूज वायर आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का रिजल्ट फॉलो करेगा। जो फॉर्मूला रजिस्टर मेंटेन हो रहा है उसमें इसकी एंट्री करना कि आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक। वैसे तो ये मेथड भी नोट कर सकते हो, पहला स्टेप भी नोट कर सकते हो, पर ये तो नोट कर ही लो, क्योंकि आपको एक साल के बाद जब पेपर देना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़, क्योंकि ये भूल जाओगे, आपको याद ही रहेगा कौन से असाइनमेंट में क्या था पता ही नहीं, तो नोट कर लेना, ठीक है यहाँ तक। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अब हमें आई वन भी पता है, आर वन भी पता है, आई टू आर टू का रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ से आई वन स्क्वायर बाई आई टू स्क्वायर आर वन क्यूब बाई आर टू क्यूब, यहाँ से सॉल्व करके
आर टू क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आपको आई टू आई वन पता है, आई टू 3 एम्पियर है, आई वन 1.5 एम्पियर है, आर वन की वैल्यू भी पता है, सॉल्व करके आंसर छोड़ देना, कुछ इस फॉर्म में आंसर आएगा, 2 रेज टू पावर 2/3 इज द आंसर। तो मेथड क्लियर है यहाँ तक, फ्यूज वायर को कैसे सिंप्लीफाई करना है आपने, कोई डाउट इसमें? दिखेगा प्रीवियस ईयर में ये भी दिखेगा, याद आएगी आपको, हाँ फ्यूज वायर की थी हमने, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लिया था, अगर कोई भी इक्विपमेंट जो है बल्ब पैरेलल में है तो टोटल पावर अफेक्टिव पावर, सीरीज में अफेक्टिव पावर, ये कर लिया था कि अगर वो कोई पानी बॉयल होता है सीरीज के अंदर, अगर कॉइल लगी हुई है तो टोटल टाइम ये होगा, और अगर पैरेलल में लगी है तो टोटल टाइम ये होगा, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था।